अब बात करते हैं देविका, कृषि और शान की। आपको लेकर चलते हैं इनके घर की गलियों की तरफ। मेरा मतलब है सीरियल, ये तेरी गलियां का ट्रैक दिखाती हूँ आपको, जहां पर लगा हुआ है हैप्पीनेस का तड़का। मुझे लगता है देविका धीरे धीरे शान के दिल में अपनी जगह बना रही है। वैसे भी वैलेंटाइन वीक चल रहा है तो दिल की बात तो बनती है ना। गुड गुड, कैरी ऑन। इसे कहते हैं हैप्पी फैमिली, जहां कृषि खुश है तो पापा शान और देविका भी नजदीक आ रहे हैं। यहां खुशियां हैं, खिलखिलाहटे हैं और खूब सारा प्यार है। दरअसल कृषि को माँ की याद आ रही है, लेकिन देविका कृषि को खुश करने की पूरी कोशिश कर रही है। ऐसे कैसे मूड में, जोक तो आपको सुनना ही पड़ेगा। सबसे पहला जोक, एक बार ना एक चींटी हाथी के ऊपर बैठ जाती है और वो दोनों ना पुल क्रॉस कर रहे होते हैं, तो उसी वक्त चींटी ने हाथी को कहा कि दोस्त, मेरे वजन की वजह से अगर तू ये पुल क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो मुझे नीचे उतार दे। वेल, कृषि के चेहरे पर तो मुस्कान आ गई, लेकिन कृषि से दूर जाने की बात सोचकर देविका की आंखें भीग गई। नहीं, वो हंसते हंसते आंसू आ गए होंगे। चलिए वापस हो जाइए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, स्लीप स्लीप कम ऑन। इमोशनल मोमेंट है व्हेन आई डोंट नो देविका इज गोइंग टू बी देयर फर्दर इन दिस हाउस और नो, बट कृषि को भी अटैचमेंट हो गई है और देविका को भी, सो बट शान को ऐसी कोई अटैचमेंट नहीं हुई है, सो लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। उसके लिए देखते रहिएगा। अरे अरे मैडम, गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि आज जिस तरह से शान और आपके बीच रोमांटिक मोमेंट बना है, वी आर श्योर कि मन ही मन शान भी आपसे दूर नहीं होना चाहते। इनको बोलती हूँ जोक सुनाने, तो इनके माइंड में तो एक भी जोक नहीं आता है, फिर कृषि जोक सुनाती है और फिर हमें बहुत हंसी आती है और फिर एक रोमांटिक मोमेंट बिल्ड होता है शान और देविका के बीच में, वेयर हंसते हंसते टकरा जाते हैं, यू नो हाउ इट इज, बट इट्स अ वेरी क्यूट सीन वेयर कृषि के दिमाग में ये आइडिया आता है जहाँ वो फोटोज खींचती है ताकि वो मेमोरीज बना के रखे उसके साथ। आप तीनों तो अच्छी मेमोरीज बनाने में जुटे हैं, लेकिन घर वाले ऐसा नहीं चाहते, इसलिए आज वेदिका को घर से बाहर किया जा रहा है। अब ऐसे में शान का कदम शो में बड़ा ट्विस्ट लाएगा। मुंबई से इंडिया टीवी के लिए आशुतोष की रिपोर्ट।